જેઈમેન પ્રથમ સત્રનું પરિણામ જાહેર કરાયું છે, જેમાં કોડદરોની નારાયણ સંસ્થા વિદ્યાર્થીએ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું હતું. નારાયણ કોચિંગ સેન્ટરના નેશનલ એકેડેમિક હેડ શ્રી શ્યામ ભૂષણ સાહેબ શ્રીએ જણાવ્યું હતું કે નારાયણે રેકોર્ડ બ્રેક 8 વિદ્યાર્થીઓએ એકંદરે 100 પર્સન્ટાઇલ અને 300 માંથી 300 પરફેક્ટ સ્કોર ધરાવતા 6 વિદ્યાર્થીઓ સાથે દેશનું નેતૃત્વ કરીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. જેમાં 100 પર્સન્ટાઇલ અને 300 માંથી 300 પરફેક્ટ સ્કોર મેળવનારોમાં એમ શાહ તેજા, સૌ સૂરજ, આર્યન પ્રકાશ, એમ અનૂપ રોહન, સાઈ પબ્બા તવા, દિનેશ રેડ્ડી તેમજ અમોઘ અગ્રવાલ નારાયણના રાષ્ટ્રીય સ્તરના ટોપર્સ છે. જ્યારે સંસ્થાના રોમિલ સોજિત્રા 99.85 પર્સન્ટાઇલ, વિરાજ પીઠવા 99.81 પર્સન્ટાઇલ, મુकुंद राखोलिया 99.71 पर्सेंटाइल, जमीन गांगड़िया 99.69 पर्सेंटाइल, दिव्यांग वैष्णव 99.58 पर्सेंटाइल, जेनिया दोषी 99.52 पर्सेंटाइल, श्रेयाबाद 99.51 पर्सेंटाइल, देवम साह 99.34 पर्सेंटाइल, स्लोप पटेल 99.70 पर्सेंटाइल, सिद्धेश जैन 99.70 पर्सेंटाइल और यश मयूर मोदी 99.11 पर्सेंटाइल साथे सूरत ब्रांच ना टॉपर्स छे. आपका परिचय? कपिल चौहान, सेंटर हेड नारायणा सूरत. जब आज किस प्रकार का रिजल्ट आया है, कितने बच्चों ने बाजी मारी? आज का रिजल्ट ऑल ओवर इंडिया में भी बहुत अच्छा आया है और पूरे इंडिया में देखा जाए तो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं. और अगर मैं नारायणा सूरत की बात करूँ तो हमारे पास में एक सिलेक्शन रेशियो अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा आया है और हमारे पास 90 के आसपास स्टूडेंट थे, 91, जिसमें से 12 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 99+ PR आया है. और अगर हम क्वालिफाइंग रेशियो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है और 120 के आसपास या 110 के आसपास में बच्चे क्वालिफाइंग हो जाते हैं, जिसमें से हमारे 50% से ज़्यादा बच्चे 120 से प्लस स्कोर कर रहे हैं. सर, किस प्रकार की तैयारी थी स्कूल की बच्चों की? तैयारी तो सर एक बिंदास लेवल पे ही थी, जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए उस तरीके से थी. और एक जो हमारा पैटर्न है, हैदराबाद पैटर्न है, टेस्ट सीरीज है या एकेडमिक प्लानर है, वो 100% फॉलो हुआ. उसी की वजह से हम लोगों ने इतना अच्छा रिजल्ट हम लेके आए हैं और टाइमली हम लोगों का सिलेबस पूरा हुआ. और मतलब प्लानिंग की अगर बात करी जाए तो हमारी प्लानिंग परफेक्ट थी और कम्प्लीटली वो हर तरीके से हुई, किसी तरीके से कोई फैकल्टी चेंज नहीं हुआ है और कम्प्लीटली अच्छे तरीके से. जो नारायण में आना चाहते हैं उसके लिए क्या संदेश है? अगर नारायणा में जो आना चाहते हैं उनके लिए ये चेंज है, क्योंकि हमारे पास में डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके व्याप पे हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं. पहली बात, हमारे जो बैच है, बैच का साइज़ कम होता है. बाकी जगह क्या होता है कि 50 या 60 या 70 की स्ट्रेंथ है, हमारे पास में 30 या 40 की मैक्स टू मैक्स स्ट्रेंथ होती है. दूसरी बात है कि हमारे पास में किसी भी टाइप का स्टूडेंट है, चाहे एवरेज है या बिलो एवरेज है या एवरेज से ऊपर भी बच्चा है, उसके लिए हम स्पेशल तरीके से ही ध्यान देते हैं. अगर हम एवरेज से ऊपर के बच्चे की बात बताएं तो हमारे पास में ऐसा भी हो सकता है कि 2 बच्चों का ही एक बैच हो, ऐसा भी हो सकता है एक ही बच्चे का एक बैच हो. एक बच्चा है जो हमारा हैदराबाद में अभी पढ़ रहा है, आई थिंक जेई एडवांस 2024 का फर्स्ट रैंकर होगा, जिसके लिए पूरा ही एक ही बैच चल रहा है. तो हमारा एक सुपर चाइना बैच होता है जो पूरे इंडिया में डिफरेंट है और उसके लेवल का आई थिंक कोई बैच पूरे इंडिया में नहीं बनाया जाता है. अगर हम एवरेज बच्चे की बात कराई जाए तो एवरेज बच्चे में भी हम अगर हमें एक्स्ट्रा क्लास लगानी है, एक्स्ट्रा डाउट काउंटर लगाने हैं, तो हमारे पास में एक्स्ट्रा फैकल्टी अवेलेबल होते हैं और जिसके लिए किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे या पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आती. और अगर बिलो एवरेज स्टूडेंट है तो इंडिया में हम ही लोग ऐसे हैं, अगर बोर्ड पैटर्न, वो सीटी पैटर्न या जेई मेन और जेई एडवांस, हम सभी पैरामीटर्स पे पूरे अच्छे तरीके से तैयारी कराते हैं. तो एकेडमिकली हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं और अपना प्लानर को फॉलो करते हैं और रिजल्ट हमारा जो एक टॉपर बच्चे का तो रिजल्ट आता ही आता है, एवरेज से कम बच्चे का रिजल्ट भी हमारे पास में आता है. कई सारे बच्चे हमारे पास अभी भी ऐसे हैं जो लास्ट ईयर ड्रॉपर में थे, उनका रिजल्ट किसी क्लास में 12th में पढ़ते हुए किसी कोचिंग में 100 जितने नंबर आ रहे थे, अभी वो बच्चा 200 जितना लेके आ रहा है. तो एकेडमिकली हमारी जो प्लानिंग है बहुत अच्छी होती है. ओके. नारायणना पश्चिम जोनना वड़ा श्री नीतेश शर्मा और सूरत सेंटरना नियामक श्री कपिल चौहाने आ उत्कृष्ट परिणाम माटे सूरत केन्द्रना तमाम 11 टॉपर्सने अभिनंदन पाठव्या छे. વધુમાં તેમણે કહ્યું કે અમારી પાસે સુરતની તમામ સંસ્થાઓમાં 99થી વધુ પર્સન્ટાઇલ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી 100થી વધુ છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, HindTv ન્યૂઝ, સુરત.